जादू टोने टोटके वाली मूवी देखनी थी, मतलब मुझे मेरा मन था यार कि इसमें चुड़ैल हो, तांत्रिक हो, तो ऐसी मूवी मैंने ढूंढी। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सेवंथ सन मूवी के बारे में, जो तकरीबन 1.5 घंटे इसकी लेंथ है और ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है। तो अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसका मैंने चुड़ैल तांत्रिक का, तो यानी ये एक काल्पनिक स्टोरी है, इसके अंदर चुड़ैल है, तांत्रिक है। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें चुड़ैल जो है, मतलब कि जो ये पिशाच है, जो भी ये भूत है, जैसे भी है, या मतलब इसमें ज्यादातर चुड़ैल ही कहा गया है, जिनके पास पावर है, काली शक्तियां हैं, जब भी यहां पर फुल मून होता है, मतलब कि 100 साल में एक स्पेशल फुल मून होता है, जिसे रेड मून कहा गया, यानी लाल चांद निकलेगा, और वहां पर इन चुड़ैल की जो है वो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 100 साल में एक बार ही निकलता है, और एक बार निकल चुका था जहां पर चुड़ैलों ने पूरी मानव जाति को खत्म करने की कोशिश की थी, मुश्किल से उनको मतलब काबू किया गया, और अब इस मूवी के अंदर दोबारा से वो निकलने वाला है। तो इन चुड़ैलों की एक रानी है जिसका नाम है मेलकिन। शुरुआत में जैसे मूवी आप देखोगे तो उसको एक कैद किया जाता है, लेकिन वो कैद नहीं रहती, वो बाहर निकलती है और अपने साथियों को इकट्ठा करती है। और अब जो है इस मूवी में, जैसे मैंने बताया कि 100 साल में एक बार जो मून, रेड मून आने वाला है, और ये अब इकट्ठा कर रही है अपने साथियों को, ताकि भाई साहब फिर से पूरी मानव जाति को खत्म किया जा सके। और इनको रोकने के लिए तांत्रिक आता है जिसका नाम है गार्गरी, वो अपने चेले के साथ इनको रोकना चाहता है। अब यहां पर जो इस मूवी का नाम है सेवन सन, वो एक्चुअल में एक राजा है, उसके सातवें बेटे के सातवें बेटे पे ऐसा कुछ करके रखा गया जिसका नाम होता है एडम। तो ये जो तांत्रिक है गार्गरी, जो एक पत्थर दिल है, सच में काफी ज्यादा पत्थर दिल है, और वो क्यों है, वो इसका रीजन आप लोगों को मूवी में दिखाया गया है। अब ये जो तांत्रिक अपने चेले के साथ अब इस चुड़ैल को रोकने की कोशिश करता है, इसके साथियों को रोकने की कोशिश करता है, यही सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब देखो यार, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, बट ये पता है कि यार एट द एंड होने क्या वाला है। शुरुआत में मैंने इस मूवी को बड़े ही चाव से देखना शुरू किया था, क्योंकि होता है ना, हमारे दिल में इच्छा होती है कि यार हाँ, हम एक ऐसी टाइप की मूवी देखना चाहते हैं, काफी टाइम से ये वाली चुड़ैल वाली या शक्तियों वाली या जैसी भी मूवी हमने है वो देखी नहीं है, चाहे रोमांटिक है, चाहे वो सैड है, कैसी भी हमने मूवी देखी नहीं है, तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि यार हाँ, ये वाली मूवी हम देखें। लेकिन जैसे हम वो मूवी शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर वो मूवी अच्छी होती है तो बढ़िया होता है, लेकिन अगर वो मूवी खराब होती है तो जितना इंटरेस्ट ऊपर होता है ना, धड़ाम से आगे नीचे गिरता है। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ जब ये मूवी मैंने देखनी शुरू की। थोड़ी देर तक तो ठीक था, लेकिन भाई साहब थोड़ी देर बाद मेरा बुरा हाल हो गया, मतलब इसको झेलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है यार, वो इतनी बकवास है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएचर, तो यानी फिर कहें कि वो राक्षस से दिखाए तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी चीप सी फीलिंग आने लगती है कि यार ये क्यों दिखा रहे हो यार। और जो इसके अंदर फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं तांत्रिक और जो ये राक्षस इसके अंदर एक आता है, मतलब वो इतनी ज्यादा घटिया लगती है, इतनी एवरेज से भी नीचे। क्या वो पावर यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी वो पावर यूज नहीं करते, बिल्कुल सिंपल से लड़ रहे हैं यार। और जैसे तरीका जो फाइटिंग का दिखाया गया, कैमरा कहीं और लेके चले जाते हैं जब उसके ऊपर कुछ जंजीर वो फेंक रहे हैं, मतलब ऐसे वो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतना खराब तरीके से वो दिखाना फाइटिंग यार, वो वही इंटरेस्ट खराब कर देता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है कि यार इसको स्किप करो ना यार, क्यों पका रहे हो यार। चाहे वो कोई भी फाइट हो, इसकी स्टार्टिंग में फाइट हो, इसके लास्ट में फाइट हो यार, वो बिल्कुल बोरिंग है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर ऐसे मन करता है चलना यार, स्किप करना है, अपने अपने मत दिखा इसको। इसके अंदर जो है वो सस्पेंस, राज, ऐसे वैसे भारी शब्द तो यूज किए गए हैं, लेकिन जब वो खुलने लगते हैं ना यार, फिर लगता है कि यार क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, ये सस्पेंस है, इसको राज कहते हैं, ये मिस्ट्री है। मूवी के अंदर लव इमोशन भी डालने की कोशिश की गई है, लेकिन भाई साहब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब एक चुड़ैल का एक इंसान के साथ प्यार होना यार, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम इससे। अब इतनी सारी बुरी बातें मैंने कर ली, इतनी सारी नेगेटिव बातें कर ली, अब थोड़ा होता ना कि यार थोड़ा बहुत तो कुछ तो अच्छा होगा ना। हाँ, एक चीज अच्छी है इसके अंदर, वो है इसका टाइम ड्यूरेशन, मतलब 1 घंटा 30 मिनट में मूवी खत्म हो जाती है, हमें ज्यादा इसको झेलना नहीं पड़ता। इससे अच्छी बात और क्या होगी, मतलब इससे अच्छी बात या बुरी बात, मतलब 1.5 घंटे तो गए ना। तो खैर, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 out of 10 star। या 3 क्यों दे रहा हूं मुझे भी नहीं पता, सच में मुझे भी नहीं पता मैं क्यों दे रहा हूं इसको। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों के मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू समझ में आ गया होगा कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। खैर, जिनका मन होता है ना कि यार हमें तो देखनी है, इसके अंदर चुड़ैल है, ये सब चीजें हैं, तांत्रिक है, पता नहीं कैसा कुछ होगा, तो मतलब मैं आपको रोक थोड़ा सकता हूं, आप अपनी इच्छा के खुद मालिक हैं, जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।